बड़ी खबर आई है कि इसराइली जारियत इस बर्बरियत इस लेवल पे आ गई कि हमास के नए सरबरा को भी शहीद कर दिया गया माफियों समेत। उससे पहले इस्माइल हानिया को किया था और हिजबुल्ला के हसन नसरुल्लाह की शहादत भी अभी कल की बात लगती है। इतने बड़े लेवल पर इसराइल को अगर कामयाबी के लफ्ज़ से इस्तेमाल नहीं करूँगा लेकिन जो ठीक ठीक निशाना बना रहा है इससे लगता है कि उनकी इंटेलिजेंस कितना डीपली जो है इन इलाकों में फैल गई है। मतलब निसार सैयद साहब मौजूद हैं, सीनियर तजुर्बेकार हैं। निसार साहब, एक के बाद दो यानी हसन नसरुल्लाह की शहादत अभी बिल्कुल ताज़ा थी, हमास के सरबरा फिर इनका, इससे लगता है कि ये तो मानना पड़ेगा ना कि चाहे अमेरिका उन्हें अस्करी तौर पर माली तौर पर स्पष्टी कर रहा हो लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बहुत एक्यूरेट उनके हमले होते हैं जो महफूज इलाकों में भी। निसार साहब जी जी जी, इसराइल की इंटेलिजेंस नेटवर्क बहरहाल आप कह सकते हैं खत्ते का एक बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है जहाँ मुसाद इंटरनेशनल उनके इंटेलिजेंस का काम करती है, वहाँ उनकी जो लोकल मुकामी एजेंसी है शैनबैट, इन दोनों का की जो कार्रवाइयाँ हैं, इन दोनों की जो स्पाई नेटवर्क है वो बहरहाल जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आज हमास के जो सरबरा हैं याया सनवार की जो शहादत की एक बुरी खबर सामने आई है वो भी इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क की एक बड़ी कामयाबी करार दे सकते हैं। वो कि रेजिस्टेंस फोर्सेस को अपनी शख्सियात की शहादत के हमने पहले भी कहा था कि उससे उनकी जद्दोजहद पे असर नहीं पड़ता, एक कायद जाता है तो दूसरा कायद उनका आ जाता है। आपने देखा कि हिजबुल्ला के सरबरा हसन नसरुल्लाह को जब शहीद किया तो इसराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्ला खत्म हो गई है और उन्होंने जुनूबी लबनान में लैंड इन्वेजन का स्टार्ट किया। उस लैंड इन्वेजन के स्टार्ट के साथ ही आपने देखा कि लबनानी आर्मी ने सरहदी जो मास था वो छोड़ दी और वो पीछे हट गई ताकि इसराइली आर्मी को मुश्किलात ना हो और वहां पर इंटरनेशनल फोर्सेज आ गई। लेकिन हिजबुल्ला ने आज के दिन तक लुबनान के इलाकों में इसराइल को घुसने नहीं दिया बल्कि सख्त रद्द अमल दिया और इसराइल को बाकायदा ऐलान करना पड़ा कि उनको शरीफ मुश्किलात का सामना है और उनकी डेड बॉडीज को हमने जाते हुए देखा है। तो इसराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क इस छोटे से खत्ते में एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि हमास या हिजबुल्ला कोई रियासतें नहीं है बल्कि ये एक तंजीमें हैं, मजाहमती ग्रोह है जिनका मुकाबला इसराइल, अमेरिका और उस जैसी बड़ी सुपर पावर से है। इसराइल एक कोई छोटा मुल्क नहीं है, इससे सारे अरब ममालिक डरते हैं, इसराइल इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन जिन लोगों से इसराइल डरता है उनका नाम हमास है, जिहाद इस्लामी है, उनका नाम हिजबुल्ला है। तो हिजबुल्ला और हमास ने अपनी मजाहमती फोर्स से इसराइल पे खौफ तारी किया हुआ है। शहादतें और जो अपने लीडर्स की जान कुर्बान करना इस जमीन की आज़ादी की खातिर, ये एक हिस्सा है कि वो बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए या गजा की आज़ादी के लिए अपनी निसार साहब, इसका एक और सबब ये नहीं है कि निसार साहब अगर लोगों को तो शायद अब याद भी ना हो 50s और 60s के जब जिसे कोल्ड वॉर दौर कहते हैं कि बहरहाल सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था और उस वक्त जो कोरिया की वॉर हो या वियतनाम की वॉर हो यानी अमेरिका को भागना पड़ा था, कोई 46,000 उनके मारे गए थे, हलाक हुए थे कोरिया में भी और वियतनाम में भी और उन्हें पड़ा। अब क्योंकि वो जो कोल्ड वॉर का जो एरा ख़त्म हुआ और इस वक्त मुझे थोड़ा सा आज़रा मैं बहुत गार्डेड लफ्ज़ में कहूँगा, बड़ी कामयाबी है शंघाई कॉन्फ्रेंस या यूएन में हमारी हुई, लेकिन ब्रादर इस्लामी मुल्क या हमारे दोस्त मुल्क भी एक करारदाद तक में जिक्र करना नहीं चाहते कि जो 60,000 से ज़्यादा शहादतें हुई हों फ़लस्तीनियों की या जुनूबी लबनान में बेघर हो रहे हैं लाखों लोग। तो ये भी तो एक है ना कि उनके हौसले इसलिए भी बढ़ रहे हैं ना अंसार साहब जी। इस्लामी ममालिक की और बिलखसूस अरब ममालिक की जो लातालुकी है या फ़लस्तीन के मसले पर खामोशी है या इसराइल के साथ उनके सिफारती और तजारती ताल्लुकात हैं, उसी ने ये इसराइल को मौका दिया है या हिम्मत दी है कि वो 80 लाख या 90 लाख का एक सियोनी रियासत जो है वो मुसलमानों के ऊपर हाकिम है, गजा के लोगों का कत्लेआम कर रही है, लबनान में लोगों का कत्लेआम कर रही है, बेदरे हमले कर रही है। और लेकिन अब इस सूरत हाल के बावजूद भी आप इन मुजाहिदीन को, इन रेजिस्टेंस फोर्सेस को क्रेडिट दें कि इन्होंने तवक्कल अल्लाह परवरदिगार के ऊपर अपने तवक्कल के साथ इन्होंने जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है वो मैदान में मौजूद हैं, किसी दुनियावी ताकत के रहमोगरम पर नहीं है बल्कि इनका तवस्सुल जो है अपने ऊपर वाले खालिक से है। और 42 या 43 हज़ार जाने कुर्बान कर दी हैं, इस्माइल हानिया शहीद हो गए हैं, आज यहाया सनवार की शहादत की आपको खबर सामने आई है, इधर हिजबुल्ला की
टॉप मिलिट्री कमांड शहीद हो चुकी है जो 8 ईयर था, हसन नसरुल्ला शहीद हो चुके हैं, जिसे आप अरब दुनिया का पोस्टर बॉय कह सकते हैं, उसके बावजूद भी इन रेजिस्टेंस फोर्सेज ने इसराइल के सामने या अमरीका के सामने या इन आलमी कुवतों के सामने सरे खम तस्लीम नहीं किया है। यानी ये किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है और इनका जहाद या इनकी जो कुर्बानियां हैं वो जारी हैं। आज गजा पर इसराइल 1 साल गुजरने के बावजूद भी उसकी फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। वो एयर स्ट्राइक तो कर रहे हैं, वो ड्रोन अटैक तो कर रहे हैं, वो आप जिसे कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे आज इनको शहीद किया गया है स्पाई इंफॉर्मेशन के जरिए, लेकिन उसके बावजूद वो गजा पे कब्जे का दावा नहीं कर सकते, वो जुनूबी लुबनान के लुबनान पे कब्जे का दावा नहीं कर सकते। यही वही अरब रियासत है कि जिन्होंने 60 की दिहाई में इसराइल के हाथों सरेंडर किया था सारे अरब दुनिया ने, और उसके बाद वो इसराइल के सामने आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इन चंद हजार मुजाहिदीन ने अपनी अवाम के ताबुन से परवरदिगार के साथ अपने तवस्सुर के साथ जो इन्होंने जहाद किया है, जो कुर्बानियां दी हैं, उसकी जो है वो इस दुनिया में आपको मिसाल नहीं मिलेगी। आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इस वक्त, दुनिया की तमाम ताकतें खामोश हैं या इसराइल की पुष्पना बनी हुई है। आलमी तौर पर पहली बार जो मगरब है उसकी आवाम इसराइल के खिलाफ खड़ी हुई है, इसराइल को बेबी किलर के नाम से याद किया जा रहा है नेतन्याहू को। तो देखिए दुनिया में जो आवाम है वो बेदार है, जो हुक्मरान है वो खयानतों पे अपने इकतदार की दवाम की खातिर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन इन शहादतों से हमें ये नजर आता है जो हमने तारीख में देखा है कि इस तरीके से जो लीडरशिप शहीद होती है या लोग शहीद होते हैं उससे मूवमेंट खत्म नहीं होती बल्कि उनको मजीद ताकत मिलती है, और ये ताकत आपके सामने है। आपने बजा तौर पर दुरुस्त फरमाया कि हिजबुल्ला एक तंजीम का एक कोई मुल्क नहीं है बल्कि एक ऐसी तंजीम है कि जिसका जो सरबरा होता है वो इस बात के लिए तैयार होता है, बल्कि पहले ही से कह देता है कि वो शहीद होगा तो उसके बाद कौन होगा। बहुत बड़ा वाक शुक्रिया निसार सैयद साहब।